यस, तो आप लोग आ गए हैं, तमाम लोग मौजूद हैं और टीचू लोग हैं यस जी। सर। तो हम बात कर रहे हैं कि इनटेंजिबल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो जब भी कोई हम हायरिंग कर रहे होते हैं, यानी जब भी कोई इंटरव्यू करते हैं, तो इंटरव्यू के अंदर देयर आर सम इनटेंजिबल रिक्वायरमेंट विच आर अपेयरेंस, एटीट्यूड, क्रिएटिविटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, टेम्परामेंट एंड पर्सनैलिटी। And all these points we have already discussed. Okay, going forward with the next slide, which is related to the environment. The work environment जो है, it is also very important कि physical working condition जो है वो आपकी क्या है, you know and you should basically share with the candidate. तो जब तक देखें, एक चीज होती है रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैंडिडेट। यू शुड गिव हिम और हर द रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू, व्हाट इज बेसिकली गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट काइंड ऑफ वर्किंग कंडीशन और फिजिकल वर्किंग कंडीशन आर देयर। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इसके लिए उसको बताएं कि आपकी जो कंपनी है किस तरह का आप ऑफिस होगा, आपका लोकेशन कहाँ पर होगी, हाउ ही और शी कैन ट्रेवल, उसके हवाले से आपको डिटेल में उससे जो है वो डिस्कशन करनी है कि शेड्यूल क्या होगा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आपने उनसे डिस्कस करनी है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट एरियाज, इम्पोर्टेंट पॉइंट यू शुड शेयर विद द कैंडिडेट्स, क्योंकि उसको आने से पहले उस जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें उसकी बहुत अच्छी चीज़ें, और उसमें अगर कोई वीकनेस है उस जॉब के अंदर या कोई चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस के बारे में भी जो कैंडिडेट है उसे मालूम होना चाहिए। तो यू शुड शेयर विद द वर्किंग कंडीशन, फिजिकल वर्किंग कंडीशन विद द कैंडिडेट्स, कि आप जो है आपको कैसा ऑफिस दिया जाएगा, आपके अंदर में कितने लोग होंगे, लोकेशन किस तरफ होगी, ट्रैवलिंग के लिए उसको आप बताएंगे वो खुद अगर ट्रैवल करके आ सकता है या आप उसे कोई फैसिलिटी देंगे, उसका टाइम शेड्यूल क्या होगा, कब आना होगा उसको, कब जाना होगा, उसके अंदर कोई करियर डेवलपमेंट की कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई ग्रोथ उसकी होगी या कितनी स्लो ग्रोथ होगी, फास्ट ग्रोथ होगी, उस ग्रोथ के लिए आप व्हाट आर दी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द कैंडिडेट्स आर अवेलेबल इन द कंपनी, इन सारी चीज़ों को आपने जो है उस कैंडिडेट्स के साथ डिस्कस करना है। यस, नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और इफ यू वांट टू ऐड समथिंग इन स्लाइड यू कैन ऐड प्लीज। सर, कैन यू एक्सप्लेन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अ लिटिल मोर? यस, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इज वेरी सिंपल। जब आप कंपनी में जाते हैं तो आप अगर आपसे कोई ये पूछे या कोई ये सवाल करे कि आपको हमसे कोई सवाल करना है, हमसे कुछ पूछना है, तो आपका पहला सवाल यही होना चाहिए कि बेसिकली व्हाट आर दी ग्रोथ, व्हाट इज या व्हाट आर दी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फॉर मी। ग्रोथ का मतलब होता है प्रमोशंस एक्टिविटी, आपको कब प्रमोट किया जाएगा, साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, उस प्रमोशन के लिए आपको कौन सी ट्रेनिंग दी जाएंगी, किस तरह आपको की सर्टिफिकेशन कराई जाएगी, क्या होगा उस प्रमोशन के क्राइटेरिया, क्या है आप किस तरह आप काम करेंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसी होगी तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें डिस्कशन के अंदर, यानी करियर लेडर्स की बात हो रही है कि हाउ टू प्रमोट ऑन द डिफरेंट करियर लेडर्स। आप एज ए एचआर ऑफिसर ज्वाइन किया है तो असिस्टेंट मैनेजर एचआर कब बनेंगे, मैनेजर एचआर कब बनेंगे, और उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स बनने के लिए, या असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स बनने के लिए, या जीएम बनने के लिए, या डिप्टी जीएम बनने के लिए, या डायरेक्टर बनने के लिए। तो जो ये अपॉर्चुनिटीज आपको उनसे डिस्कस करनी चाहिए कि व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटी, व्हाट आर द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फॉर फॉर मी या फॉर द कैंडिडेट, यानी अगर इंटरव्यूअर है तो उसको, इंटरव्यूअर को, कैंडिडेट्स को बताना चाहिए कि हम आपको जिस पोजिशन पर हायर कर रहे हैं उस पोजीशन में आपकी ग्रोथ कैसे होगी, यानी प्रमोशन आपको कैसे मिलेगा, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ आप कैसे जा सकते हैं, इसकी डिटेल डिस्कशन जो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। यस, एनी सर, अदर ये क्वेश्चन? कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं पास आउट करेगा हमारी पर्सनालिटी का कि अभी तो आप हायर हुए नहीं है तो यू आर सो ईगर टू गेट प्रमोशन एट द स्पॉट? यस सर, सेम क्वेश्चन मेरा भी यही है। मतलब सर कोई पॉइंट आउट भी कर सकता है कि मतलब आप भी आपकी हायरिंग नहीं हुई और उससे पहले आप मतलब
क्वेश्चन हमसे कर रहे हैं कि आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या होगी या फिर आपकी प्रमोशन के बारे में? नहीं नहीं, तो ये आपका एक कैंडिडेट का राइट है कि वो जिस पोजीशन के लिए वहाँ अप्लाई करने के लिए जा रहा है उसको ये मालूम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो ज्वाइन कर ले, बाद में वो बताएंगे जी जिस पोजीशन पर आ रहे हैं तो इसके अंदर तो कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसको आप पहले पूछें, बिल्कुल ये राइट है। और सर मैंने ये बात नोट की है कि ये फिजिकल वर्किंग कंडीशंस भी जो होती हैं ये पहले मतलब कुछ बताई होती हैं जब आपको हायर कर रहे होते हैं ये जॉब डिस्क्रिप्शन में, और बाद में चेंज भी हो जाती हैं। जी बिल्कुल, आप ज्यादा काम करवाते हैं या फिर आपका विदाउट मतलब बताए आपको चेंज कर देंगे आपकी कोई भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या एड इन कर देंगे, इसके बारे में सर बताएं कि ये एक मतलब जैसे हम एम्प्लॉय हैं तो हमारा राइट है उनसे बात करने का या फिर ये पहले ही हमें पूछना चाहिए उनसे? नहीं, असल में होता यह है कि अपॉर्चुनिटी के हवाले से तो ठीक है, बाकी ये जो चीजें होती है ये ऑर्गेनाइजेशन में वेरी करती रहती हैं कि आपको जो जॉब डिस्क्रिप्शन बताई थी उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है चेंज आ जाए उन जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर, या आपकी जो जॉब है उसको इनलार्ज कर दिया जाए, उस जॉब को एनरिच कर दिया जाए, तो ये पॉसिबिलिटी होती है। इसके ऊपर अगर आप चाहें तो बात डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो एक नेगेटिव एक साइड होगी कि अब ये मतलब आपको अगर कोई काम एक्स्ट्रा देंगे तो आप नहीं करना पसंद करेंगे, ये मतलब होगा इसका, तो इस साइड को मेरे ख्याल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, ड्यूरिंग इंटरव्यू तो पूछ सकते हैं ना, और ये पूछना चाहिए, मतलब मेरे ख्याल से तो उसे पूछना चाहिए इसमें कि मेरे मतलब मेरे गोल्स मेरा एग्जैक्टली मेरे जॉब एक जेडी क्या होगी और मेरे क्या टास्क होंगे, मेरे क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। हां डेफिनेटली मतलब, ये तो पूछ सकते हैं आप, लेकिन हां जी उनको ये तो नहीं कह सकते लेकिन सिर्फ आफ्टर हायरिंग आप कुछ कर नहीं पाते अगर स्पेशली जब आजकल का सिनेरियो आप ले लें जब एम्प्लॉयर एम्पावरमेंट ज्यादा है तो आपको बेयर करनी पड़ती है कुछ चीजें। हाँ, आपको एक्स्ट्रा काम भी दिया जा रहा है, ऐसे ऐसे मैंने वाकई भी सुने जो आपको ह्यूमिलेट किया जा रहा है, लेकिन आप जॉब नहीं छोड़ना चाहते तो आप उसको टॉलरेट कर रहे हैं। बिल्कुल, जॉब डिस्क्रिप्शन गोल सारी चीजें पूछनी चाहिए, लेकिन आप ये सवाल अगर उनसे पूछेंगे या वो ये कहते हैं कि इसके अंदर कोई और एडिशनल टास्क को आप नहीं दे देते हैं, आप काम को बढ़ाते तो नहीं है, जॉब को इनलार्ज तो नहीं करते, तो ये क्वेश्चन मेरे नजदीक यूजलेस है। हाँ, आप अपने जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से पूछ सकते हैं। सर मेरा पूछने का मतलब ये था कि ऐसे होता है कि बाद में तब्दीली आ जाती है आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में, तो हाउ टू हैंडल दैट थिंग इन अ वेरी सिविलाइज्ड मैनर कि आप नेगेटिव ना लगे? ये तो हमें नहीं पता कि जिस कंपनी में आप काम कर रही हैं उस कंपनी का माहौल क्या है, आपका बॉस जो है वो किस तरह का बंदा है, तो बहरहाल जो भी बात हो उसको बहुत ही पुरसकून से अपने बॉस के साथ शेयर करनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि ये काम जो है आपका भैया है और ये काम आप प्रॉपरली जो है वो नहीं कर पा रही हैं, लिहाजा इसको कम कर दिया जाए, या जो भी सिचुएशन है उसको आप प्रॉपरली उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप बता रही हैं कि मसाइल बहुत है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एम्प्लॉयर पावर बहुत ज्यादा है और आप अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो आपकी बात मान भी ले, तो लेकिन ये भी देखना होगा कि इस वक्त जो वर्किंग कंडीशन है वो क्या है। आवाज कट रही है आपकी, नौशीन बोलिए जो भी बोलिए आवाज कट रही है। इशारा आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर मैं यही कह रहा था कि आजकल तो वैसे इंटरव्यू से पहले बंदे को पता होता है कि मैं किस इदारे में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। मना कर रहे हैं किसी नए काम से, मशीन आपकी आवाज सही कर रही, खामोश हो जाए जरा। कैपेबल मैंने तो जी जी शाहरा बोले। हाँ सर मैं ये कह रहा था कि आजकल जो है वैसे जब स्टूडेंट कोई भी कैंडिडेट जाता है इंटरव्यू देने से पता होता है कि मैं जिस इंडस्ट्री में जा रहा हूँ वहाँ पर शिफ्ट शेड्यूल क्या चल रहा है, कितनी दूर है, कहाँ पर है वो वहाँ पर, और लोग किस तरह काम कर रहे हैं। वैसे बाद आजकल कैंडिडेट को कुछ आइडिया तो होता है, 70-50% आइडिया होता है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ कंपनी कहाँ पर है और क्या काम चल रहा है वहाँ पे, कौन से यूनिट्स हैं वहाँ पे, और मुझे मेरी जॉब ड्यूटीज क्या है वो तो ऑलरेडी डिफाइन होती है पेपर्स के अंदर या एडवर्टाइजमेंट में। जी जी, वैसे मोस्ट चीज़ें स्टूडेंट को पता होता है जी, इंटरव्यू देने आता है। ऐसा है बिल्कुल, और वैसे उससे जाने से पहले इंटरव्यू देने से पहले अच्छे लोग जो होते हैं वो बाकायदा उसकी इन्वेस्टिगेशन भी करके जाते हैं कि वहाँ के वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है। सर इस पे इंप्रेशन पड़ता है फिर इंटरव्यूज ऑल ओवर,
कि भाई ऑलरेडी बंदे को क्या पता है हमारी इंडस्ट्री के बारे में क्या नहीं है, तो वो उसका एक बेनिफिट है, प्लस पॉइंट भी होता है। ऐसा बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ऐसा है सर। लेकिन ये जॉब टू जॉब वेरी भी करता है। अब अगर कंसल्टेंसी फर्म को आप उठाएंगे तो वहाँ पे एक एम्प्लॉय से जरूरी नहीं है कि वो एक ही काम करे, वो मल्टीपल टास्क भी कर रहा होता है वहाँ पे, और वो भी नहीं जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट होना चाहिए ना, जब आपको शुरू में बता रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए, ऐसा होता है। नहीं सर, कंसल्टेंसी के अंदर तो ये नहीं है कि अगर आपको सप्लाई चेन का कंसल्टेंट रखा हुआ तो आप फाइनेंशियल्स के काम नहीं करोगे। नहीं वो तो नहीं कर सकते, वो तो आपको काम करने पड़ते हैं मुख्तलिफ। जी जी, वहाँ तो इंडस्ट्री होती है ना कि भैया इस इंडस्ट्री को करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, और फिर उसमें भी देखें हर जगह पर जो है काम ऊपर नीचे तो होते रहते हैं, कहीं पर कोई चीज ऐड हो जाती है, कहीं पर कोई चीज डिलीट हो जाती है, ये तो चलता है। अब इतना तो आपको जो है बर्दाश्त करना पड़ेगा। जी तो सर करना चाहिए, यही मैं क्वेश्चन थी। जाहिर सी बात है हर कंपनी में डिफाइंड होती है जॉब, लेकिन कभी कभार वो आपको दे देते हैं, वो इतना तो करना चाहिए। ये करने नहीं चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई आपको थोड़े दिन डिपेंड करता है एम्प्लॉय पे सर, एम्प्लॉय पे डिपेंड करता है कि एम्प्लॉय कैसे डील कर रहा है, मतलब जो फॉर एग्जांपल आपको, मतलब आप कैसे कर रहे हो उनसे डील, मतलब करो ना भी करो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो आपका जो ओरिजिनल जो आपका टास्क है वो अगर आप उसमें सुपीरियर हो ना तो कोई ऐसा मसला नहीं होता, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं अपना इसमें बता रहा हूँ। जी जी बिल्कुल सही बोल रहे हो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप अगर अपनी जॉब में, क्योंकि क्योंकि सर आपने पहले ही जब इंटरव्यू के टाइम पे आप जब अपने रोल्स डिफाइन हो जाते हैं आपको, तो उसके बाद आपको मतलब कोई नहीं होता कि कोई एक्स्ट्रा बंदा, अंटिल और अनलेस कोई डायरेक्टर बोल रहा है आपको, कोई बिल्कुल टॉप मैनेजमेंट बोल रही है तब तो समझ आती है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपका मैनेजर बोल रहा है तो कोई मतलब मेरे लिहाज से तो नहीं होता ऐसे, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होते हैं ना, मतलब फॉर एग्जांपल उसके हैंड में होता सारा हिसाब किताब। ठीक है जी, बहरहाल मेरा ख्याल है कि अगर आप अपने काम में बहुत परफेक्ट हैं तो आपकी बात को सुना भी जाएगा। अगर आप पहले ही एवरेज या बिलो एवरेज परफॉर्मेंस exactly. तो फिर जो है वो अगर आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो आपके लिए और मसला हो जाएगा। जी नौशीन, आप क्या कहना चाहती हैं? चले जी, नौशीन की तो आवाज ही नहीं आ रही है, कुछ बोलना चाह रही है लेकिन हमारे तक नहीं पहुंच रही इनकी आवाज। आगे बढ़ते हैं जी, हमारे पास एक्स्ट्रा लोड डाला जाए और फॉरेन सीडर किया जाए। सॉरी सर, आ रही है? जी अभी आ रही है, बोलें क्या बोलना चाह रही हैं? जी सर आ रही है आवाज। जी आवाज आ रही है नौशीन। नौशीन जो है आप, नौशीन आप खर्चा करो जरा, आपने पास जो है ना अच्छा वाला इंटरनेट दो। कहना चाहिए ये भी कंसीडर किया जाता है कि आप इनकेपेबल हैं। नौशीन फिर चली गई मेरा ख्याल है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, हमारे पास रिव्यूइंग द एप्लीकेंट्स एप्लीकेशन एंड रिज्यूमे, जो रिज्यूमे या एप्लीकेशन होती है उसको रिव्यू कैसे किया जाता है, तो रिव्यू करने के मेथोडोलॉजी क्या है। वैसे तो आजकल आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको जो है वो आपको ये सारी चीज़ें करके दे देते हैं, तो लेकिन जो है वो अगर आप फिजिकल कोई चीज़ आप देखना चाह रहे हैं या फिजिकल कोई चीज़ है वो आप किसी सीवी को शॉर्टलिस्ट करना चाह रहे हैं, तो उन चीज़ों को सामने रखकर आपने वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको सामने रखकर आप किसी भी एप्लीकेशन को या रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करते हैं, ये कुछ चंद चीज़ें हैं जो यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। इसके अलावा भी आप जो है उसके अंदर डाल सकते हैं। पहली जो चीज़ है उसके अंदर ये है कि आप सबसे पहले जो ओवरऑल एप्लीकेशन या रिज्यूमे या सीवी होता है उसकी ओवरऑल अपीयरेंस को देखते हैं कि वो सीवी दिखने में कैसी है। तो अगर वो दिखने में ही बेकार है, किसी को सीवी बनाने का का डिज़ाइन करना ही नहीं आता, तो सबसे पहले ही उसे देखते ही आमतौर पर लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो जब आप अपना रिज्यूमे या सीवी बनाएं तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ यह है कि वो दिखने में भी अच्छी होनी चाहिए, उसका ओवरऑल अपीयरेंस शुड बी गुड। उसके बाद लुकिंग फॉर मिसिंग डेटा, जो ऐसे आपने जो है वो देखना है कि उसके अंदर कोई डेटा ऐसा जो आपकी कंपनी को रिक्वायर्ड है, ऐसा तो नहीं है कि वो उस रिज्यूमे में या उस एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल नहीं है, उसने नहीं लिखा है, तो उस मिसिंग डेटा को आइडेंटिफाई करें। देन वर्क हिस्ट्री एंड गैप्स, आप जो उसकी वर्क हिस्ट्री है या एजुकेशनल गैप्स हैं, जैसा कि अगर मैट्रिक उसने
2000 में किया है तो उसके बाद उसका जो इंटरमीडिएट है वो 2002 में हो जाना चाहिए. अगर उसका इंटरमीडिएट 2004 का है तो देयर शुड बी सम क्वेश्चंस कि ये क्यों जो है इसका 2004 में किया, दो साल का गैप क्या है, उसको आपने नोट करना है. इसी तरह वर्क हिस्ट्री है कि एक बंदा 2010 तक काम कर रहा था, फिर गायब हो गया, फिर 2012 या 16 में दोबारा अपेयर हो गया काम करते हुए, तो ये दरमियान का जो हिस्सा है ये कहाँ चला गया, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में था, कहीं जेल में रहा, या उसके अलावा कोई और केसेस उसके ऊपर चले, तो ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो है कहाँ पर थे. ओवरऑल लैप्स इन टाइम, यानी ये वही बातें हैं जो कि अभी हम बात कर रहे हैं कि टाइम के अंदर जो है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं पर एयर्स का मसला तो नहीं है, इस तरह की चीज़ों को आप देख सकते हैं. फ्रीक्वेंसी आप जॉब चेंज दे सकते हैं, कितना जल्दी वो जॉब चेंज करता है, बहुत फ्रीक्वेंसी के तेज़ी से चेंज कर रहा है या स्लो चेंज कर रहा है, क्या तरीके का है उसको आप देख सकते हैं. रीज़न फॉर लिविंग प्रीवियस जॉब, वो आप देख सकते हैं कि वो पिछली जो जॉब्स है उसको क्यों छोड़ के जा रहा है. देन अदर थिंग यू हैव दैट इज़ द जॉब ड्यूटीज, और उस जॉब ड्यूटीज़ के अंदर यू शुड ऑल्सो कैन चेक द अचीवमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स कि उसके अंदर उसने अचीवमेंट्स कौन कौन सी जो है वो की हैं, तो इसको देखना भी बहुत ज़रूरी है कि व्हाट शुड बी द अचीवमेंट इन द कंपनी फॉर द इंडिविजुअल्स. ओके, तो हम बात कर रहे थे कि रिव्यूइंग द एप्लीकेशन एंड रिज्यूमे, उसके अंदर ये वो चीज़ें हैं जिसको आप देख सकते हैं. देन यू कैन चेक द बेस्ट फिट. बेस्ट फिट मीन द कैंडिडेट शुड बी फिट विद द जॉब एंड द कैंडिडेट शुड बी फिट विद द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल जो है उसका कल्चर, तो उसको सामने रखते हुए रिज्यूमे में जो चीज़ आप देख सकते हैं, इन चीज़ों को सामने रखकर आप रिज्यूमे को शॉर्ट लिस्ट करते हैं या उसके अंदर जो चीज़ रिज्यूमे है उसको आप देखकर आप अपनी चीज़ों को देख रहे होते हैं. जी, तो कोई क्वेश्चन इसके ऊपर आपका? सर, हमारे यहाँ कोटा सिस्टम भी है, तो सर प्लीज इसको भी थोड़ा सा आप रोशनी डालें. आप सही कह रहे हैं, बाद में भी कोटा सिस्टम होता है, लेकिन कोटा सिस्टम के अंदर अब तो हम रिव्यू रिज्यूमे की बात करें. कोटा सिस्टम में तो ये होता है कि फर्ज करो कि रिज्यूमे तो डेफिनेटली फिर भी हम करेंगे उसके अंदर. कोटा सिस्टम में तो ये होता है खाली के आप जिस उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए सिंध का अलग कोटा है. फर्ज करो 10 पोजीशन है जो सिंध के लिए है. अब सिंध के जितने भी लोग होंगे उनके भी डेफिनेटली आप जो है रिव्यू करेंगे, उनके एप्लीकेशन उनके रिज्यूमे रिव्यू करेंगे, लेकिन 10 कैंडिडेट आपने ज़रूरी है कि सिंध के लोगों को ही देना है और उनके ही लोगों को हायर करने हैं. तो वहाँ से जो भी एप्लीकेशन आएंगी उनको रिव्यू करने के बाद टोटली 10 हायरिंग आप वहाँ से करेंगे. इसी तरह कराची के अलग होंगे, लाहौर के, इस्लामाबाद के या पंजाब के अलग अलग लोग होंगे जिनका कोटा होगा. इसी तरह कोटा में और भी चीज़ें आती हैं जिसके अंदर जो है जिनके अगर कोई वालिद या भाई या कोई जॉब कर रहे हो उस कंपनी के अंदर उस उनके लिए भी कोटा होता है कि उनको भी इसके अंदर जो है शामिल किया जाए. तो इस तरह की चीज़ें होती हैं. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. जी, एनी अदर? सर प्लीज ओवरलैप्स एंड टाइम को थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा. ओवरलैप्स एंड टाइम का बहुत सिंपल है. ओवरलैप्स का मतलब यह है कि आपकी आपने दो डिग्रियां देखी किसी बंदे की और उसमें ऐसा लग रहा है कि वो एक ही टाइम में की हुई है उसने, यानी एक ही टाइम एमबीए भी कर लिया और एक ही टाइम में एलएलबी भी कर लिया, तो दिस इज क्वेश्चन मार्क. इसी तरह दो जॉब्स एट ए टाइम कर रहा है, एक ही टाइम में जो है वो एक जॉब कर रहा है, दूसरे टाइम में भी वही जॉब कर रहा है, तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिनको क्वेश्चन मार्क है. आप उन्हें देख सकते हैं, उन्हें जज चेक कर सकते हैं या वो क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं ताकि आप ड्यूरिंग द इंटरव्यू वो सवाल आप उनसे पूछ सकेंगे ये क्या ऐसा मसला है कि आपके दो डिग्री एक टाइम में है, क्योंकि दो डिग्री एक टाइम में लीगली हो नहीं सकती. नौशीन, आपका इंटरनेट का मसला है. सर शी इज आस्किंग कि बेस्ट फिट किसको कहेंगे, किस चीज को कहेंगे? हाँ, अच्छा, बेस्ट फिट का क्वेश्चन. बेस्ट फिट का मतलब यह है कि आप ओवरऑल इन तमाम चीजों को सामने रखकर
ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि वेदर द कैंडिडेट इज सूटेबल फॉर द कंपनी या नॉट। तो ये सारी चीजों को सामने रखकर फिर फैसला करते हैं आपके इसको शॉर्ट लिस्ट किया जाए या शॉर्ट लिस्ट ना किया जाए। तो ये बेस्ट फिट का मतलब ये है। यस, और कोई सवाल? जी नौशीन, बेस्ट फिट का हो गया, मैंने बता दिया बेस्ट फिट के हवाले से। और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ ले। जी शैला, आप क्या कहना चाह रही हैं? शैला बोले ना। आई थिंक नो सर, वो नौशीन क्वेश्चन कर रही थी कि इस कोटा सिस्टम एंड रेफरेंस इज सेम, तो मैं उनको कह रही थी कि नहीं सेम नहीं है, वो फिक्स्ड रेशियो होता है कोटा सिस्टम किसी भी जॉब के। जी जी बिल्कुल ठीक आपने जवाब दिया उसको। अच्छा जी, तो नौशीन को ये भी लिख दो कि नौशीन सर कह रहे हैं कि जो है कंजूसी नहीं करो, इंटरनेट जो है अपना अच्छा वाला ले लो ताकि आप सही तरीके से बात कर सको। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो है वो नेक्स्ट है कि सेटिंग द स्टेजेस, कि किस किन चीजों को किस तरह हम लेके बढ़ते हैं। सबसे पहले द सफिशिएंट टाइम फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू जब आप लेने के लिए जा रहे हो तो आपके पास एक प्रॉपर टाइम हो और तमाम कैंडिडेट्स को सेम टाइम ही अलॉट किया जाए। ऐसा ना हो कि आधे कैंडिडेट्स को जो है वो दो मिनट में फारिग कर दें और आधे कैंडिडेट जो है उसके लिए आप आधा आधा घंटा एक एक घंटा जो है टाइम लगाएंगे। एवरी वन हैव द इक्वल राइट टू इवेल्युएट। तो अब लेकिन इसमें मसला ये होता है कि लोग ये कहते हैं यार टाइम क्यों ज़ाया करें, पहले ही चार पाँच सवाल जो होते हैं उसके अंदर ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा काम का है काम का नहीं है। वैसे जो है बेहतर तो ये है कि आप उस बंदे को किसी दो तीन सवालों के बेसिस पे चेक ना करें। ये वैसे तब होता है जब आप ऐसे इंटरव्यू करते हैं जो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर ये सबसे बड़ा मसला होता है कि आप दो चार सवाल पूछते हैं, आपको लगता है ये कैंडिडेट जो है एलिजिबल नहीं है, उसे आप निकाल देते हैं। हो सकता है कि और बहुत सारे ऐसे पॉइंट जो है जो कि जिनको आपने पूछना है वो उसमें बहुत अच्छा हो, लेकिन क्योंकि वो शुरू के आपने तीन चार सवाल ऐसे पूछे जनरल जो उसको नहीं आते थे तो उसको हटा दिया आपने। लेकिन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो होता है उसके अंदर ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर आपको तमाम कैंडिडेट्स के सवाल सब सब पूछने होते हैं और उनको उनके रिमार्क्स देने होते हैं, मार्क्स इवन जो है वो उसमें असाइन करने होते हैं और उसके बाद फिर जो है इसमें काम करना होता है। तो इसलिए हर एक बंदे के लिए एक सफिशिएंट टाइम ऑफ इंटरव्यू होना चाहिए। आपको भी कोई बहुत जल्दी नहीं होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप जाएं दो चार मिनट के बोलें कि एक घंटे के अंदर मुझे सब लोगों को निपटाना है, तो ऐसा ना हो आपके पास, क्योंकि वो आप ऐसे लोगों को आप हायर कर रहे हैं जो कि बाद में आपकी कंपनी को रन करना है, आपकी कंपनी ग्रोथ, आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी कंपनी की एक्सपेंशन, सारी चीज़ें जो है वो उस कैंडिडेट के ऊपर बेस करती हैं जो आप हायर कर रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर लेकर आ रहे हैं। इसलिए सिलेक्शन प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट फॉर द कंपनी, इसलिए उसको प्रॉपर और सही तरीके से करना चाहिए। देन वी शुड हैव द प्लानिंग इन अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट। जो इन्वायरमेंट है उसको अप्रोप्रिएट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो टेबल या चेयर रखने का तरीका कार है वो एक प्रॉपर होना चाहिए जिसके अंदर जो है वो लोग कंफर्टेबिलिटी के साथ बैठ जाए। अगर पैनल इंटरव्यू है तो पैनल इंटरव्यू के लिए भी एक प्रॉपर जो है आपके पास सेटअप होना चाहिए और उस सेटअप को सामने रखते हुए आपने जो है उसका इंटरव्यू लेना है। तो अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा, लोग आकर वहाँ परेशान हो रहे होंगे या आप लोगों से आते ही ऐसे ख़तरनाक क्वेश्चन पूछेंगे जिससे वो डिसहार्ट हो जाएंगे या वो आते ही परेशान हो जाएंगे। इंटरव्यू लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि किसी को आप परेशान करें या उनसे इतने मुश्किल सवाल पूछें कि वो बस डर जाए आपके सवाल से। इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव जो होता है दैट इज़ ओनली टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कैंडिडेट, टू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन फ्राम द कैंडिडेट, ताकि वो इन्फॉर्मेशन आपके पास प्रॉपर जब तक नहीं आएगी उस वक्त तक आप उसको डिसीजन मेकिंग में यूज़ नहीं कर सकेंगे। अगर आप उसको शुरू में ही ऐसे सवाल पूछना शुरू करेंगे जिससे वो डर जाएगा तो आपको प्रॉपर अपनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं कर पाएगा। तो आपने ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है जिसके साथ वो आपके साथ प्रॉपर अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, आपके जितने भी सवाल हैं उनके जवाब प्रॉपर आपको दें, तभी आपके लिए जो है एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन आएगी और आपका जो डिसीजन होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। प्लानिंग द बेसिक क्वेश्चन, यस
तो इंटरव्यू में जाने से पहले आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है उन्हें तैयार करना चाहिए। आप जो है पर्सनैलिटी से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, एटीट्यूड से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे जज करेंगे, प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसे देखेंगे, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कैसे होंगे, सिचुएशनल क्वेश्चन जो है वो किस तरह आप उनके साथ डील करेंगे। तो ये सारी चीज़ें पहले से आपके पास प्लान होनी चाहिए ताकि जब आप इंटरव्यू में जाकर बैठें तो आप तैयार हों और प्रॉपरली आप वही सारे सवाल जो है आप पूछें। और उसके अलावा जो है इंटरव्यू पैनल के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उनको भी ये देखना चाहिए या उनकी भी कोई एक सेटिंग होनी चाहिए कि पहले क्या जो है वो अच्छा करेगा, पहले कौन क्वेश्चन करेगा, कितने क्वेश्चन करेगा, क्या टाइम होगा, दूसरा किस एरिया के क्वेश्चन करेगा। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही जो है क्लियर होनी चाहिए उनको, इसलिए ज़रूरी है कि आपको इनको जो है बेहतर है कि आप पहले से अपने जो क्वेश्चन है उसको आप जो है वो नोट कर लें, उनको प्लान कर लें कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू आर गोइंग टू आस्क। यस, एनी क्वेश्चन प्लीज। किसी का कोई सवाल? जी कोई सवाल नहीं है आपका? तो इस जैसे ये सेशन एंड होगा ये वाला, उसके बाद हम नमाज ब्रेक करेंगे, 15 मिनट्स का नमाज ब्रेक होगा। अभी मेरे पास 35 मिनट्स हो रहे हैं, ये तकरीबन 45 मिनट्स पे ये सेशन हमारा एंड हो जाएगा और हम मिलेंगे इंशाल्लाह 2 बजे फिर हमारा सर अटेंडेंस। जी दो बजे अटेंडेंस भी जो है वो लेते हैं, 2 बजे हमारा नया सेशन जो है वो स्टार्ट होगा। तो अभी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ लें, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। और मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ फर्स्ट हाफ की। जी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आप, मैं अटेंडेंस की तरफ जो है वो जा रहा हूँ।